फाइनली कृषि कानून बिल को मोदी सरकार के द्वारा वापस ले लिए गए। हाँ फ्रेंड्स, आज की बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, फाइनली कृषि कानून बिल को मोदी सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। बहुत दिनों से पंजाब के किसानों के द्वारा तथा विभिन्न राज्यों के किसानों के द्वारा दिल्ली में जो हड़ताल चल रही थी, जो आंदोलन चल रही थी, उसका नतीजा किसानों को मिल गया है और मोदी सरकार के द्वारा फाइनली जो कृषि कानून बिल है उसको वापस ले लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में मोदी सरकार के द्वारा क्या बात कही गई है, आपको पूरे डिटेल से दिखा देते हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मोदी जी के द्वारा बिल को वापस लेने के लिए आज जो संबोधन किए हैं उसमें इस बिल को वापस लेने की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इस बिल का जो विलोपन है, इस माह के लास्ट तक लोकसभा में इसको विलोपित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा इस बिल को वापस लेने की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में बहुत एक राजनीतिक तहलका मच गया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस बिल के लिए एक साल से आंदोलन चल रहा था। तो फ्रेंड्स, फाइनली इस बिल को बंद करने की बात मोदी जी के द्वारा कही दी गई। तो फ्रेंड्स, इस बिल के संबंध में आपके क्या राय है, आप क्या चाहते थे इस बिल को, क्या आप भी चाहते थे कि ये बिल लागू ना हो करके, या फिर चाहते थे कि लागू हो जाए करके? तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में आपके क्या विचार थे, प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बिल्कुल अपना जवाब दीजिएगा, अपना विचार दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।